इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, नाम बताएं अपना। मैं मुबारकपुर ऊंची कतिया से दिलशाद हुसैन बोल रहा हूँ। दिलशाद जी कैसे हैं और ये मुबारकपुर किस जनपद में है आपका? आजमगढ़। अच्छा अच्छा, और क्या हाल चाल है, क्या करते हैं आप वहाँ पर? हम यहाँ बुनाई करते हैं। और क्या होता है, हैंडलूम का है वो जो आपका सिल्क है या फिर बनारसी वाला है? बनारसी वाला। यानी ये जो बनारसी साड़ियों का काम है ये अलग अलग भी जिलों में होता है, मिर्जापुर और मऊ और आजमगढ़ तक में? जी, जो बनारस का काम है, बनारसी का, जी जी, वो मुबारकपुर में ही होता है अधिकतर। और अभी कारोबार कैसा चल रहा है, कामकाज आप लोगों का? सर लॉकडाउन से तो बस जी खा रहे हैं, बस यही है। खराब हाल है। अच्छा, अभी मतलब बिजनेस संभला नहीं है आप लोगों का? नहीं, बिजनेस संभला नहीं है। और विविध भारती और जो कार्यक्रम है वो किस तरह के आपको पसंद आ रहे हैं? मोबाइल पर सुनते हैं। कौन सा गीत सुनवा दें आपको दिलशाद जी? हम आपको अभी गीत नहीं सुनेंगे, हम आपको अपना परिचय कराएंगे। जी जी बताएं। हम 1980 से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं जी। आपके लिए शायद हमारा नाम नया हो। तोड़ा जी होती, किशोर जी होते, पंचदेव पांडे जी होते, जी जी, हरी भैया होते। यानी बहुत पहले से आप कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। आज भी जुड़े हैं। जी जी। और आप हमारी आपसे आप शायद कम बात हुई है। हुई नहीं है। जी जी जी। तो अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? हमको पुष्पांजलि का सुनवा दीजिए। जी। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। आइए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद पर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो
जब उनकी यादें आए होठों पे पर यादें जाके फिर नाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ छिड़े मेरे बिछड़े जीवन साथी साथी जैसे दीपक बाती मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश हेलो फोन फरमाइश जी नमस्ते स्वागत है कार्यक्रम में आपका जी, बोले सर। जी मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ जी क्या हाल चाल है आपके हमारा सैलून है लोटा में जी और तो अभी तो सैलून का काम ही ऐसा है जो ठीक ठाक हमेशा चलता रहता है क्योंकि लोगों के बाल तो बढ़ने ही बढ़ने हैं अपनी रफ्तार एक होती है बालों के बढ़ने की तो अच्छा है कि आपका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है और उसमें विविध भारती कहाँ तक साथ देता है आपका 2400 घंटा सुनते हैं तो आप अकेले हैं या फिर आपके साथ भी लोग हैं आपके दुकान में हमारा भाई संजय शर्मा जी जी और ये काम शुरू करने से पहले कुछ सीखना पड़ता है ट्रेनिंग वगैरह या फिर सीधे आके शुरू कर देते हैं और आप लोगों के रग रग में है ये सीखना पड़ता है सर और सीखने के दौरान किसी के बाल बिगड़ जाते हैं ऐसा तो नहीं होता ना है। अच्छा अच्छा तो अपने ही लोगों पे सीखते होंगे आपस में ही लग रहा है और गीत कौन सा सुनाए हम आपको इस कार्यक्रम में इस वक्त यही गाना है चूड़ियां बजाऊं बजाऊं करूंगा ना आइए गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया नमस्कार
से ढलकाऊ सजना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊ सजना। दरवाजे की लगाऊं सजना कुंडी दरवाजे की लगाऊं सजना अंग अंग बहके तन मेरा बहके मन मेरा दहके कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना हाँ बोल तुझे कैसे मैं जगा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश नमस्ते। थोड़ा सा ऐसा करें कि आपकी आवाज ठीक ठाक आए क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ आप बोलिए क्या नाम है आपका। और सिमरन कौन सी जगह से आप बात कर रही हैं। और क्या करती हैं सिमरन वहाँ पे। काम करते हैं आरी का। आरी का काम है आपका। और अभी काम कैसा चल रहा है इस हालात में। ठीक ठाक है। और रेडियो के प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको विविध भारती के। और अभी कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं। आपको पहले भी कहीं देखा है पिक्चर का गाना हमारा ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सिमरन आपकी पसंद का। नमस्कार शुक्रिया।
कभी खन खन खन, कभी छन छन छन, कभी होले से क्या बोले मन। कभी खन
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है जी। सबसे पहले अरुण पांडे भाईजान को, तमाम प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों को मेरा दिल से मोहब्बत भरा आदाब सर। तो आपका आदाब पहुंच गया। और बताएं कैसे रहे प्रोग्राम आपके, और प्रोग्राम को आपके दोस्तों मित्रों ने सुना होगा तो कैसी प्रतिक्रियाएं रही उनकी, क्योंकि एक अरसे बाद आपकी आमद हुई थी प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, माशाल्लाह से जो देखिए आपके जो प्रोग्राम की तो बात अलग ही होती है, और उन्होंने बहुत प्रोग्राम को सराहा और बहुत पसंद किया उस प्रोग्राम को माशाल्लाह से, और जब आपकी हमारी बातचीत श्रोताओं तक पहुंची तो सीधे उनको दिल में उतर गई। और अब बताएं कि अंगूर थाना टीन अंगूर वाला जो किस्सा है, ये अंगूर का क्या मामला है, कभी आपने अपने पुरखों से अब्बा से पूछा किसी वक्त? जी बिल्कुल सर। सर देखिए वो, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई तो बात होती है जरूर। हाँ बिल्कुल सर, देखिए अंगूर वाली मस्जिद जो है उसमें सर जो खास बात ये है, उसमें पहले एक अंगूर की सर बेल आया करती थी। जी जी। तो इसीलिए सर उसकी उसका जो नाम जो रखा गया वो इसीलिए रखा गया कि अंगूर वाली मस्जिद फेमस तो इसी वजह से हो गई कि उसमें अंगूर की बेल आया करती थी, तो उसका नाम इसी। और ऐसे रामपुर का जो मौसम है वो किस तरह की बागवानी या फल में क्या क्या वहाँ पे मुख्य होता है? हाँ सर देखिए, वैसे तो यहाँ का जो आपको पता ही है, जो देश विदेश में और हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो जिस राम रामपुर को पहचाना जाता है वो सिर्फ चाकू की वजह से है। और जो यहाँ के जो नवाब जो गुजरे हैं यहाँ के पिछले दौर में, तो अब रामपुर जो कुछ खास वजह से पहचाना जाता है कि यहाँ से सबसे पहले तो रामपुर चाकू के, उसके बाद यहाँ के नवाब को, और दूसरा किसी चीज यहाँ के खाने के, जो यहाँ का जो खाना है वो यहाँ का खाना बहुत बहुत दूर तक फेमस है। जी तो इसलिए रामपुर को बहुत लोग जानते हैं। तो देखिए हालत से आपने तो परिचय करा ही दिया है, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उनका एक बार अपना परिचय फिर से करा देता हूँ। सर मैं मोहल्ला थाना टीन अंगूर वाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आदिल खान सर आपसे बात कर रहा हूँ। और आज खाने की बात हुई तो आपकी जो मैडम है वो क्या आपको अच्छा क्या खिलाती है, उनके हाथों का बना हुआ कौन सा व्यंजन है जो आपको लजीज लगता है? सर देखिए उनका तो हाथ का मुझे खाना बहुत, हालांकि सर मैं अगर बात कहूँ तो खाना तो सर मम्मी के हाथ का मुझे बहुत पसंद है, हालांकि वो भी बनाती हैं, तो माँ के खाने की सर बात जो है वो अलग है सर। जी जी ये और बात तो वाइफ भी कोशिश करती हैं, और जब भी बनाती हैं तो कोशिश उनकी यही रहती है कि मुझे मतलब मुझे पसंद आए, और मतलब मेरे परिवार वालों को पसंद आए, तो कोशिश वो यही करती हैं।
और जब भी बनाती हैं तो कुछ अलग बनाने की कोशिश करती हैं जो मुझे पसंद आता है सर उनके। जी जी, तो अब बता दें कि कौन सा गीत सुनवा दें इस कार्यक्रम में? तो सर कुछ ऐसा गीत सुनवा दीजिए सीधे मेरे दिल में उतर जाए। जी जी, आइए गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। शुक्रिया। दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तू बेवफा हो गया। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। हक दोस्ती का के हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना
बेवफा हो गया। जी कार्यक्रम हेलो, फोन इन फरमाइश। जी सर, मैं रंचू कुमार ग्राम ओड़ी जिला मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। कैसे हैं और मौसम कैसा है मिर्जापुर में? इधर तो बारिश हो रही है लेकिन उसके बाद धूप बहुत तेज हो रही है और उमस हो जा रहा है। यही भी हाल है इधर भी है। और ये हाल अभी कुछ समय तक रहेगा, यानी उमस भरा ही मौसम रहेगा। क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर अभी हम घर पर ही है। और यानी कुछ और करते हैं किसी और शहर में? नहीं, अभी घर में ही रहते हैं। और आसपास खेती बाड़ी का इलाका है? हाँ हाँ, हमारे यहाँ होता है। जी जी, और प्रोग्राम कौन कौन से अच्छे लगते हैं, क्या सुनते हैं आप? सर हमको हेलो फोन फरमाइश हुआ जी, और जयमाला का। विविध भारती के तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। और इस बीच आपका फोन हमें लग रहा है कट गया। इधर थोड़ा ये हो रहा है कि फोन लाइनों में उतनी दुरुस्तगी नहीं चल रही है, लाइनें खराब हो जा रही हैं। फिर भी आपसे जो बातचीत हुई उसके लिए शुक्रिया। और गीत एक आपको सुनवा रहे हैं हम आपकी पसंद पर, उम्मीद करें ये गीत आपको पसंद आएगा और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। नमस्कार।
अपनी जुदाई के इस पल से पहले खत के आने तक पल पल की तुम बातें लिखना पूरा खत भर जाने तक गुम सुम खोई खोई तुम छुप छुप कर कितना रोई श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है मंगलवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। अगर ये फोन किसी कारणवश काम न करे तो आप हमें 2221050 पर भी फोन कर सकते हैं। STD कोड वाराणसी का है 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अपनी जुदाई के इस पल से पहले खत के आने तक पल पल की तुम बातें लिखना पूरा खत भर जाने तक गुम सुम खोई खोई तुम छुप छुप कर कितना रोई
पाते ही खत लिखना जा